और हेल्थ और माइंड आपस में जुड़े हुए हैं. अगर एक बॉडी बहुत हेल्दी है तो ऑटोमेटिकली माइंड भी हेल्दी होगा, लेकिन अगर बॉडी हेल्दी नहीं है तो माइंड साथ साथ डिटेरियरेट होना शुरू हो जाता है. तो उसी का रीज़न है कि हमें डिप्रेशन होता है, ताकि उस गर्माइश के अंदर वो वायरस जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए. लेकिन हम क्या करते हैं, हम दवाई लेते हैं और वो सिम्टम ख़त्म हो जाता है, बुखार ख़त्म हो जाता है. इसलिए कभी जड़ से बीमारी नहीं ख़त्म होती. दैट्स द रीज़न वाई एलोपैथी को हम इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ सिम्टम को टारगेट कर रहा है लेकिन जड़ से वो चीज़ नहीं ख़त्म हो रही. सो उसी तरह से आप देखेंगे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं तो वो बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द पेट के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी बाहर फेंकना चाह रही है, लेकिन हम उसको रोकना शुरू कर देते हैं और साथ साथ जो दवाइयाँ लेते हैं वो उन सिम्टम्स को रोकती हैं. बेसिकली हम और जो बॉडी के सिस्टम्स हैं अपने आप को बचाने के लिए हम उन्हीं को बंद करना शुरू कर देते हैं. तो लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में ये जानना इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहली एक्सरसाइज, हमारी बॉडी में बहुत सारे डायफ्राम्स होते हैं. डायफ्राम होता है एक मसल होता है जो कि जो हमारी लंग्स हैं और हमारी जो एब्डोमेन है उसको सेपरेट करता है एक डायफ्राम. जब हमें हिचकियाँ आती हैं तो बेसिकली वो डायफ्राम होता है जो प्रॉब्लम में होता है. सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टिम्युलेट योर लिम्फैटिक सिस्टम इज टू डीप ब्रीदिंग. बहुत डीप ब्रीदिंग से ही ये स्टिम्युलेट होता है, और उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप लेट जाएं और अपने हाथ को 45 डिग्रीज पे रखें और एब्डोमेन ब्रीदिंग करें, क्योंकि हम ब्रीदिंग जब करते हैं पेट को बाहर आना जरूरी है, तभी लंग्स एक्सपैंड करते हैं. जो आप ब्रीद करेंगे पेट को बाहर जाना चाहिए, आपको अंदर से वो फील होगा कि वो जगह है अंदर. और जितना ज़्यादा आप कोशिश करते रहेंगे, जैसे योगा से हमने ब्रेक सेशन में देखा, धीरे धीरे टाइम के बाद, तो साइंटिफिकली इसका तरीका ये है कि जितना आपका वेट है, जितना किलोग्राम आपका वेट है उसको आप 20 से डिवाइड करें, 20 से जो भी नंबर आता है उतने लीटर पानी आपको एक दिन में पीना चाहिए. जैसे अगर मेरा वेट 60 है, 20 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, यानी 3 लीटर पानी मेरा एक दिन का मिनिमम होना चाहिए. जैसे किसी का वेट 80 है, वो सेम चीज़ हमारे शरीर में होती है. जितना चिल्ड पानी होता है हमारी फूड पाइप से लेकर आगे आर्टरीज तक, वो ऑयल जो है वो जमना शुरू हो जाता है. तो उसी से बहुत सारी बीमारियाँ आनी शुरू होती हैं. तो जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप जितना कोशिश कर सकें गर्म पानी पिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, ल्यूक वार्म जिसे कहते हैं, कोसा पानी, और अगर रूम टेम्परेचर पे और थोड़ा सा उससे ऊपर नीचे हो सकता है. और इसलिए पुराने लोग ये करते थे कि वो घड़े में पानी रखते थे कि रूम से थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा भी हो गया तो ठीक है. से क्लॉक वाइज, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन कौन सी है, क्लॉक वाइज है, ऐसे है ना, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड, ऐसे ही है ना. तो ये प्रोसेस ऐसे है, तो इसलिए क्लॉक वाइज आप उसको पोछेंगे विद इन 1 वीक है, और पेट साफ होना चालू हो जाएगा आपका है, जो जमा हुआ है बेसिकली. जो अभी मैं थोड़े पहले जैसे अमनीश जी बात कर रहे थे, जो हमें रोज करनी चाहिए, सुबह उठ के पानी पीना है तांबे के जल में, हाँ जी, तांबे के जल का, तांबे के बर्तन का पानी सुबह उठ के पीना है. दोपहर में छाछ पीना है, जिसे दही कहते हैं, दही पी लो या खा लो या छाछ पी दो. रात को गाय का दूध पिए, कुछ भी एक कप दूध पी लो. बिल्कुल ठीक है, दूध में ऐसा या मोस्ट ऑफली हम लोग इसमें वो करेंगे, 5000 से हमारा टारगेट है कि 5000 को एटलीस्ट हम हेल्प करें. और अभी हम इफ यू वांट टू चेक तो वेबसाइट है thousandthoughts.org, फेसबुक पे भी हमारा थाउजेंड थॉट्स के नाम से ही पेज है. क्या है